हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू ET7 एडिटिंग इफेक्ट्स ट्यूटोरियल 7। सो गाइज आज मैं आप सबको आफ्टर इफेक्ट का एक बेसिक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको न्यू कंपोजिशन से लेकर के रेंडर तक की सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट CC 2017 में, एंड इसे ओपन करते ही हमारे सामने पहले ये लेआउट आएगा जिसमें आपको न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, न्यू टीम प्रोजेक्ट, ओपन टीम प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे अगर आपने पहले किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। ओके तो अभी बात करते हैं न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। तो न्यू प्रोजेक्ट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं तो उसे न्यू प्रोजेक्ट कहते हैं। ओपन प्रोजेक्ट का मतलब है कि अगर आपने पहले किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो आपको उसे ओपन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। न्यू टीम प्रोजेक्ट की वैसे हमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि टीम प्रोजेक्ट वो होता है जिसपे कोई अकेला आदमी काम नहीं करता है, इसमें पूरा एक ग्रुप काम कर रहा होता है, जैसे कि प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह ये सब में होता है। एंड ओपन टीम प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप किसी टीम प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अभी हमें जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे। ओके एंड इसके बाद हमारे सामने ये पूरा लेआउट आएगा। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट पैनल। आप जिस भी प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे या फिर जिस भी फाइल को ओपन करेंगे वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन विंडो। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके एंड इधर आपके सारे इफेक्ट एंड प्रीसेट वगैरह सब है, जैसे कि इन्फो है, ऑडियो है, ऑडियो की सेटिंग आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। इफेक्ट एंड प्रीसेट में आपके सारे इफेक्ट एंड ट्रांजिशंस मिल जाएंगे आपको। ओके एंड यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, अलाइन है, कैरेक्टर है, पैराग्राफ ट्रैकर वगैरह, पेंट, ये सब सारी चीज़ें, ब्रश वगैरह सब है, एंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। एंड इस पार्ट को कहते हैं हम लोग लेयर पैनल। आप जितने भी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एंड इस पार्ट को हम लोग कहते हैं टाइमलाइन पैनल। आप जितने भी कटिंग पेस्टिंग वगैरह सब करेंगे वो सारे यहाँ पे होंगे आपके काम। ओके तो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद हमें सबसे पहले एक कंपोजिशन क्रिएट करना है। कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से न्यू कंपोजिशन, ओके तो यहाँ से आप डायरेक्टली कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है, आप प्रोजेक्ट पैनल पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड अदरवाइज आपके सामने एक और ऑप्शन है, प्रेस कंट्रोल एन एंड आपके सामने कंपोजिशन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके एंड इसके बाद आते हैं कंपोजिशन नेम में। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कंपोजिशन को एक परफेक्ट नेम नहीं देते जिसके वजह से बाद में प्रोजेक्ट को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप किसी भी तरीके से रिनेम कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कर दूंगा मेन कंपोजिशन, मेन कॉम्प। ओके एंड इसके नीचे आपके सामने तीन ऑप्शन है, बेसिक, एडवांस्ड एंड 3D रेंडर। तो यूट्यूबर्स जो बेसिकली यूज करते हैं वो है बेसिक। तो इसके बाद हमें प्रीसेट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पहले से कस्टम पे सिलेक्टेड है, तो अगर आप 720p में वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, HDTV 720p 2997। अदरवाइज आप 1080p में करना चाहते हैं तो आप इसे चूज कर सकते हैं, HDTV 1080 2997। ओके तो मैं 1080p में ही करता हूँ। ओके एंड इसके बाद आपको, एंड यहाँ से आप इसकी विड्थ एंड हाइट भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो पे आपको सिलेक्ट करना है स्क्वायर पिक्सल, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। एंड फ्रेम रेट जो बेसिकली यूज होता है वो है 29.97 या फिर 30 FPS। अदरवाइज आप किसी हैवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 60 FPS या 50 FPS पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 29.97 ही रहने दूंगा। एंड इसके बाद आते हैं रेजोल्यूशन पे, वो आपको फुल ही रखना है। एंड इसके बाद ऑप्शन है स्टार्ट टाइम कोड का, तो स्टार्ट टाइम कोड में हमें सेलेक्ट करना है 0, नॉर्मली इतने से ही शुरू होती है वीडियोस। तो इसके बाद आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है कि आपको कितने मिनट की वीडियो चाहिए, तो मैंने 1 मिनट पे कर रखा है। एंड इसके बाद प्रेस ओके। तो ये आपका कंपोजिशन तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको फाइल इंपोर्ट करना है, तो फाइल आप यहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं, फाइल इंपोर्ट, एंड इसका शॉर्टकट कंट्रोल आई है। अदरवाइज आप प्रोजेक्ट पैनल पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके तो मैं जैसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा दो से तीन फोटोज को इसी भी। ओके इंपोर्ट एंड इसे ड्रैग कर लेते हैं नीचे। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका साइज अभी फिक्स नहीं हुआ है इस पे, तो इसके लिए आपको कॉर्नर पे प्रेस करना है, प्रेस कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड इसे ड्रैग करना है जब तक ये फिक्स ना हो जाए पूरा। ओके इतना काफ़ी है। एंड सेम आपको दूसरे पे भी करना है। ओके तो इस पे भी आपको पहले कॉर्नर पे प्रेस करना है, प्रेस कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड इसे स्ट्रेच कर लेना है जितना आपको चाहिए। ओके अगर आप इसे यहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं और आपको कंट्रोल नहीं पता है तो आप यहाँ से एडिट पे जाकर के यहाँ से आप सारे कंट्रोल्स पता कर सकते हैं। यहाँ पे कट पेस्ट कॉपी वगैरह डुप्लीकेट स्प्लिट लेयर वगैरह के सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ओके तो ये स्प्लिट हो चुका है, एक्स्ट्रा पार्ट हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं।
अदरवाइज आप इसे यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं जितने की आपको ज़रूरत है। एंड अब आते हैं इफेक्ट इन प्रीसेट पे, और अगर आप इस पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इफेक्ट इन प्रीसेट से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करूँगा गॉसन ब्लर, तो इसे आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर ड्रैग कर लेना है। एंड इसके बाद आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर बढ़ चुका है, एंड इसे कम कर सकते हैं जितने की आपको ज़रूरत है। अदरवाइज आपके सामने एक और ऑप्शन है, इसके नीचे जाकर के इफेक्ट में जाना है आपको, गॉसियन ब्लर पे जाना है एंड यहाँ से आप इसकी ब्लरिनेस एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड इसके बाद आते हैं रेंडर पे। तो रेंडर के लिए आपको पूरे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है पहले। एंड इसके बाद जाना है कॉम्पोजिशन पे, एड टू रेंडर क्यू। तो ये रेंडर क्यू आपके सामने आ चुका है, एंड इसके बाद क्लिक करना है बेस्ट सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे आपको क्वालिटी को बेस्ट पे कर देना है, रेजोल्यूशन को आपको फुल ही रखना है, अदरवाइज आप यहाँ से करंट सेटिंग भी चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं इसे फुल पे रहने दूंगा। एंड इसके बाद आपको फ्रेम रेट सेलेक्ट कर लेना है कि 30 FPS या 50 FPS या 60 FPS जो चाहिए आपको, तो मैं 30 पे ही रहने दूंगा। एंड इसके बाद करना है, इसके बाद जाना है हमें लॉसलेस पे, एंड यहाँ से आपको फॉर्मेट चूज कर लेना है, जो आपको ज़रूरत है उसको चूज कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा क्विक टाइम पे, एंड इसके बाद जाना है आपको फॉर्मेट ऑप्शंस में, यहाँ पे आपको वीडियो कोडेक को चूज करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे चूज कर लूँगा H.264। एंड रेंडर क्वालिटी को आपको 100 पे ही रखना है। इसके बाद आपको ऑडियो सेटिंग पे देख लेना है, AAC बेस्ट ऑप्शंस है, एंड प्रेस ओके। एंड यहाँ पे ऑडियो आउटपुट सिलेक्टेड है, प्रेस ओके। एंड इसके बाद जाना है आपको आउटपुट 2 पे, तो ये अभी स्पेसिफाइड नहीं है, आपको डेस्कटॉप पे कर लेना है। एंड मेन कॉम्पोजिशन इसका पहले से सिलेक्टेड है, प्रेस सेव। एंड इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, रेंडर करना है, तो रेंडर हो रहा है अब। सो मैंने आफ्टर इफेक्ट CC का आपको एक बेसिक ट्यूटोरियल दे दिया है, अदरवाइज मैं आपको और भी चीज़ें धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप देना, मेरी अगली वीडियो के लिए एक सजेशन कमेंट कर देना कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या आगे भी ऐसी वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।